ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए अब रुख करेंगे हिमाचल राउंडअप की ओर। पांवटा साहिब के देवीनगर इलाके में एक युवक ने अपने पड़ोसी पर चाकुओं से हमला कर दिया। घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। मंडी के जोगिंद्रनगर में अब महिलाओं को दूर शहर नहीं जाना पड़ेगा। बता दें आपको कि 7 साल के बाद अस्पताल में चिकित्सक की तैनाती कर दी गई है। वहीं डॉक्टर की तैनाती को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह है। इन्वेस्टर मीट के बहाने कांग्रेस का जयराम सरकार पर निशाना। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा है कि निवेश के नाम पर बीजेपी सरकार हिमाचल को बेचने का प्रयास कर रही है। राजगढ़ के ददाहू में दर्शक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया, जहां पर एक फर्जी क्लिनिक के डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं क्लिनिक से छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भारी मात्रा में दवाई और अन्य सामान बरामद किए हैं। पांवटा साहिब के कपोटा पशु अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि अस्पताल में 19 पंचायतों के लोग पशुओं का इलाज करवाने आते हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से अस्पताल की हालत इतनी खराब हो गई है कि स्थानीय अपने पशुओं को इलाज के लिए शहर ले जाते हैं। सोलन पीजी कॉलेज में जोरदार हंगामा हुआ है। दरअसल कॉलेज की एबीवीपी इकाई का कहना है कि कॉलेज प्रशासन एबीवीपी से सौतेला व्यवहार कर रही है। उनका कहना है कि कॉलेज स्टाफ बाकी संगठनों से मिलकर राजनीति कर रहा है, जिसको लेकर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। खीर गंगा स्नान के दौरान के लिए दरअसल कृष्ण नारायण लाल लश्कर के साथ रवाना हो गए हैं। बता दें आपको कि 1 महीने तक चलने वाले इस स्नान में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जानकारी के अनुसार कृष्ण नारायण 11 अगस्त को खीर गंगा पहुंचेंगे। हमीरपुर में प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि लोग अपनी जान दांव पर लगाकर सफर करने को मजबूर हैं। बता दें आपको कि दरअसल अणु के पास सड़क की हालत खस्ता हो गई है और स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि सड़क पिछले 6 महीने से खराब है और इसकी कई बार शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की गई है, लेकिन अधिकारी मामले से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बिलासपुर में कांग्रेस के दिग्गज और साथ ही पूर्व सीपीएस राजेश दरमानी ने बीजेपी विधायक पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दरअसल स्थानीय विधायक ने जनता के साथ धोखा किया है और विकास के नाम पर ठगी कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव और साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस के सदस्य मनोज पठानिया को सुलह विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मनोज पठानिया का कहना है कि पार्टी की ओर से जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वो बखूबी निभाएंगे। मंडी की एकल नारी शक्ति संगठन ने दरअसल अपने नाम के पौधे रोपे हैं। बता दें आपको कि मंडी के खलियार स्थित शनिदेव मंदिर के पास ये पौधारोपण किया गया और लोगों से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का आग्रह किया गया। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में ओमेगा कंपनी के मजदूर दरअसल 19 दिन से हड़ताल पर डटे हुए हैं। पंखे बनाने वाली कंपनी ओमेगा के रातों रात बंद होने के को मजदूरों में गुस्सा है और मजदूरों का आरोप है कि इस दौरान किसी भी मजदूर को कोई जान माल का नुकसान हुआ तो फिर उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। पूरे प्रदेश में इन दिनों दरअसल स्क्रब टाइफस अपना पांव पसार रहा है। राजधानी शिमला के आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि इस बीमारी से इलाके में करीब 3 लोगों की और मौत हो चुकी है। हिमाचल में लगातार आसमान से आफत की बरसात हो रही है। आपको बता दें तो वहीं पांवटा साहिब में भी बारिश से ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। कुछ देर बारिश से शहर के कई गाँव में कई हिस्सों में भारी जलभराव हो गया है और सड़कें तालाब बन गई है। कांगड़ा रेप के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पीड़िता ने मामले में पुलिस और दबंगों के ऊपर केस दबाने का आरोप लगाया है। हालांकि मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बिलासपुर में साइंस सुपरवाइजरों को आपको बता दें कि कैपेसिटी बढ़ाने के 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्रदेश के 9 जिलों के सुपरवाइजरों ने भाग लिया और उनको निर्देश भी जारी किया गया है कि वो अपने अपने जिलों में ईगो क्लब बनाने की तैयारी करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।